लियाना। लियाना का पहला इंटरनेशनल ट्रिप और दिवेशा का पहला इंटरनेशनल ट्रिप। सोते हुए पता भी नहीं चल रहा, रात के 1:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं श्रीलंका। बट कोई बात नहीं, पहली बार दोनों बच्चों के साथ हम लोग आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो नजदीक जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारे पीछे शादा और याना बहुत नींद में है। इधर देवीना आंटी लियाना और दिवीशा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तब तक टिकट की सारी फॉर्मेलिटीज कर रहा हूँ। लियाना रात को जगी हुई है, आतंक मचा रही है। इधर टिप 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 करके आइस दिखाता है। नोजी क्वीन, ओले बाबा, तो नोजी ये क्या है? पीनू का हेयर है ये, और ये चीक है, चीक चिक चिक चिक। फिंगर फिंगर, वाओ। रात को तुम दोनों खेल रहे हो एयरपोर्ट पे? क्या दिविशा स्लीपिंग, मुंह खोल के इज माय स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब हर। एक तो बच्ची सो रही है, इतना चौकन्ना किसने बोला था एक बच्ची को होने के लिए? फ्रैंकली मुझे आज लगा था कि फ्लाइट गई, क्योंकि मैं मसाज करा रहा था और आधा घंटा और एक्स्ट्रा मसाज करा लिया। उसके बाद देवीना बिग बॉस देख रही थी फिनाले। मैंने बिग बॉस नहीं देखा, तो मैं जब बाहर आया मसाज के बाद तो तुम बिग बॉस को तुम ऐसे देख रही थी कि आज जाना ही नहीं है। अरे मैंने तो सिर्फ उस टाइम पे देखा जब देवीना अनाउंस हुआ, उससे पहले मैं उसके साथ रूम में थी। बट थैंक गॉड प्रणाम हमारे साथ था, तो प्रणाम ने हमें बचा लिया। इनको प्रणाम करो, थैंक यू। अटेंशन दी मॉडर्न इन फ्रंट ऑफ यू। आज लियाना का सुई फंस गया था। हाँ लियाना तो आज बहुत रो रही थी और अभी बेचारी चुप हुई है। और मैं सोच रहा था सुबह सुबह 3 बजे की फ्लाइट है, आज तो सबकी नींद, लियाना को भी नींद नहीं आएगी और सबको वो सोने भी नहीं देगी। आजू बाजू बेड नहीं सर, तो ये भी बड़ा त्रास है। इसलिए हम अपने साथ में बिठा भी नहीं पा रहे, एक जन उधर मम्मी के पास, एक जन इधर। फाइनली पहुंच गए। छोटा सा कांड हुआ, मैं बताऊंगी। फ्लाइट में लैंडिंग के टाइम कान में दर्द हो गया शायद, चाना चिल्ला के रोई, फटाफट दूध बना के पिलाया और सब कुछ अंडर कंट्रोल। एंड फाइनली वी हैव लैंडेड एंड बच्चे अराउंड इट इज। हम क्योंकि यहाँ पे एक इवेंट के लिए दोनों आए हुए हैं, तो इवेंट एक्चुअली वर्क कम हॉलीडे है हमारे लिए। और इवेंट वालों ने इतना अच्छा प्लान किया है, एक पूरा कॉर्नर एयरपोर्ट पे हमारे लिए बना दिया है, तो कंफर्टेबली हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें ईजली मतलब उस लाइन में जो आप देख रहे हैं दूर पे, वहाँ पे लगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और हम बच्चों के साथ यहाँ पे खड़े हैं। लियाना अभी भी सो रही है, दिशा भी सो रही है। श्रीलंका में वेलकम टू श्रीलंका दिविशा, फर्स्ट इंटरनेशनल टूर, फर्स्ट स्टैम्प इन द पासपोर्ट। हाँ चलो 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 चलो, दिविशा और लियाना का पहला टूर लाइफ भर याद रखेगी कि वो पहली बार श्रीलंका आई थी। हम याद रखेंगे, उनको तो याद भी नहीं, उनको भी याद रहेगा ना, उनका पासपोर्ट का पहला थप्पा जो है स्टैम्प जो है वो श्रीलंका में लगा है। राम और सीता पहुंचे
श्रीलंका। तो नेक्स्ट 4 दिन हम श्रीलंका में रहेंगे और यहाँ पे जो भी करेंगे दिखाएंगे। हम लोग तो पहले आ चुके हैं बट पता नहीं बेबीज के साथ आई थिंक इट विल बी अ डिफरेंट फीलिंग, पर जो भी होगा आप लोग के साथ ही एक्सप्लोर करेंगे। ये मेरे होटल रूम से व्यू है। सुबह आके ही हम लोग बहुत थक गए थे तो थड़ाम से गिर के सो गए। अभी रूम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। गुरु नीचे चला गया है, नाउ इट्स टाइम टू मूव। सिचुएशन ऐसा हुआ कि कल रात से लियाना सोई नहीं। फ्लाइट में बहुत रोई 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 रोई, जो हम लोग फख्र कर रहे थे कि हमारे बच्चे रोते नहीं हैं, वो रोने वाले बच्चे कौन होते हैं? हमारे बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे होते भैया। हमारे बच्चे कल बहुत रोए, लियाना बहुत रोई। ऑड टाइम पे फ्लाइट था तो इसीलिए उसको नींद आ रही थी पर उसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। सो दैट वाज द सिचुएशन। भाई मैं होटल में हूँ, चल चल के जा रही हूँ नीचे गुरु के पास। तो उसको कंफर्टेबल नहीं हुआ तो अभी वो सो गई फाइनली। सो हम लोगों ने सोचा कि उसको नहीं उठाएंगे। मेरी मम्मी ने तो शी हैज़ पुट हर फुट डाउन, बोला कि लियाना सो गई है, कुछ भी हो जाए मैं उसको नींद से नहीं उठाऊंगी, कुछ भी हो जाए। सो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक बच्चे के लिए नींद ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं समझेगी कि कहाँ हम जा रहे हैं, स्पेशल जगह पे, लंच पे वगैरह वगैरह। या तो फाइनली बच्चे रह गए होटल में और मैं और गुरु जा रहे हैं लंच पे, बिल्कुल पुराने जैसे जैसे हम लोग अकेले ही जाते थे। मैं कुछ ऐसे रेडी हुई हूँ एंड आई थिंक आई एम लुकिंग गुड। गुरु बहुत गुस्से में है, बहुत देर से मेरे लिए इंतजार कर रहा था। सिर्फ तुम और मैं ही जा रहे हैं उस जगह पे। जगह का नाम क्या है? हॉस्पिटल, डच हॉस्पिटल। हाँ, डच हॉस्पिटल। यहाँ पे हम दोनों पहले जा चुके हैं और हम फिर से जा रहे हैं। वहाँ पे एक अमेजिंग सा रेस्टोरेंट है कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब्स। सोचे थे सब लोग मिलके बैठेंगे वहाँ पे, पर ठीक है, बच्चों के साथ लास्ट मिनट में बहुत चेंजेस होते हैं एंड यू हैव टू जस्ट बेयर विथ इट। मेरी माँ नहीं होती मैं क्या करती। और ऐसा है कि मतलब मन नाराज नहीं, मजबूरी नहीं, मम्मी ही कॉल लेती है कि लियाना सो गई है, मैं तो उसको उठाऊंगी ही नहीं। पेशेंस, पेशेंस। हमारी गाड़ी आ गई एंड गेट सेट गो, आई टेक यू टू वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन श्रीलंका। हम पहुंच चुके हैं जहां हम पहुंचना चाहते थे। ये है डच हॉस्पिटल। एक टाइम पे ये कोई हॉस्पिटल हुआ करता था। श्रीलंका वॉज इनहैबिटेड बाई डच पीपल। उधर से अंदर जाके है मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब्स जहाँ हम जाएंगे। हाय, वेरी गुड। इंडिया, थैंक यू। द ऑटो वाला सेज ही लव्स इंडिया। ये जो जगह है ये डच हॉस्पिटल था जब डच यहाँ पे रहते थे और अभी ये शॉपिंग मॉल, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। गुरु सब तो ठीक है, ये जो पेड़ दिख रहा है मेरे पीछे, हाँ। मुझे ये वाला पेड़ चाहिए घर के लिए। घर पे पेड़ रहेगा तो लियाना इस पे चढ़ जाएगी। आई स्वेयर मुझे ये चाहिए। हनुमान जय श्री राम। गुरु यहाँ पे ना एक फोटो बनता है जो हम लोग पहले लिया था और अभी का फोटो हम लोग डालेंगे। याद है हम लोग लास्ट टाइम हर एक रेस्टोरेंट में बैठे थे यहाँ पे। यहाँ पे सारे अलग अलग रेस्टोरेंट। दिस इज अ डिफरेंट रेस्टोरेंट, दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब्स एंड दिस इज अ डिफरेंट रेस्टोरेंट। ये इनका श्रीलंकन का फेवरेट डिश है, मतलब बहुत स्पेशलिटी है। डोसा बनता है, डोसे के अंदर अंडा होता है, हाँ, उसको हॉपर्स बोलते हैं। वो मैं कल दिखाऊंगी ब्रेकफास्ट में, आज था। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बाहर बैठते हैं। या वी सिट देयर। ये जो जगह है मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। यहाँ का जो शेफ है वो भी बहुत फेमस है। दो बार हम आ चुके हैं और दोनों बार हम यहाँ पे देवेना की ये फेवरेट जगह थी मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब, यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ का जो प्रॉन है वो काफ़ी फेमस है। ओ माई गॉड प्रॉन है एक का नाम,
एक का नाम है योद्धा प्रॉन। वो हाँ, एक और चीज़ यहाँ का जो लोकल फूड जो होता है, कुजीन जो होता है, वो काफ़ी टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। प्लस अगर आपको और एक्सपेरिमेंट करना है तो यहाँ का जो लोकल स्ट्रीट फूड जो होता है वो बहुत टेस्टी होता है। डोसा सा होता है लेकिन उसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हम जाएंगे, लेट्स ट्राई। हाँ, एक बार आए हैं तो जाते हैं, कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं। पिछले साल ही हुआ था ना ये, कि लोगों ने विद्रोह कर लिया था, रोड पे आ चुके थे इस जगह पे। बैक होम भाई और बहनों, जहाँ से शुरू की थी कि मैं अकेले जा रही हूँ, वहाँ पे वापस आ रही हूँ। पीछे पीछे ऐसे ही वाइफ्स की हालत होती है, पीछे 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 पीछे। अभी मेरे पास एक अच्छा प्लान है, अगर आप वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा, नहीं तो आप जाके सो सकते हैं। तो हम लोग रूम में पहुँच चुके हैं। रूम कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ट्रैवलिंग विद किड्स आर नथिंग बट अ मेस। दवाई, खिलौना, खुला हुआ सूटकेस जिसमें ढेर सारे डायपर्स और बच्चों के बहुत सारे सामान और बैग सब बच्चों के सामान हर तरफ पड़ा हुआ है। एक बच्चा इधर, एक बच्चा बालकनी में बहुत क्रेडिट ले रही है। ओह माय गॉड, मैंने सोचा था बालकनी में क्रेडिट ले रही है, लेकिन ये बच्चा तो इधर मुंह में मत डालो ना बीनो कुछ भी। अच्छा, बीना क्या था वो ब्लैक कलर का? कम बीना कहाँ से आ रहा है? बीना क्या कर रहे हो ऐसे ढकू होके? ओ, नीचे बुक देख के आ बीना को। अल्लू मिल्लू पच्चू, अभी वापस जाना है नानी के पास बालकनी में। स्टार्टिंग में ना मेसी रूम देख के ऐसा लगता था, बाप रे, रूम कभी क्लीन रहता ही नहीं है। देन आई सॉ दिस ब्यूटीफुल वीडियो जिसने कहा एक्चुअली कि अभी रूम इतना मेसी दिखेगा, लॉन्ड्री इतना ज़्यादा होगा। एक्चुअली आप समझ सकते हैं, आप जितना भी टाइडी क्लीन रखना चाहते क्यों ना हो, वो नहीं हो पाता है। बट एक दिन ये सब कुछ गायब हो जाएगा और रूम साफ सुथरा दिखेगा, क्योंकि वो बच्चे बड़े हो चुके हैं और तब आप इन चीज़ों को मिस करोगे। वो वीडियो देखने के बाद मुझे एक्चुअली मेस से भी प्यार हो गया है। मुझे लगता है पूरा वीडियो मेरा कॉरिडोर में ही खत्म हो जाएगा। कॉरिडोर से आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। डिविशा भी यम कर रही है। किसका आवाज हो रहा है इतना? कौन है वहाँ? मैं हूँ। मैच 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 क्या देख रहे थे? ये बहुत अच्छा है। हमें खुद को भी नहीं पता कि हम इतने छोटे बच्चों को लेके कहाँ जा सकते हैं। स्विमिंग पूले गिए देखते हैं, बेशी अंधकार होले তখন যাওয়া যাবে না। স্বিমিং পুলে তো অন্ধকার, স্বিমিং পুলে তো নিশ্চয়ই লাইট থাকে। আর তো রাত্রি কিছু পিনা কিছু আছে। পিনা কোথায় চিনু? বাপরে চিনু, পিনা ईशा उस पे नजर रख रही है, लियाना पे।